आप देख रहे हैं उपस्थित इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधायक भंवरलाल शर्मा सीएमआर पहुंचे हैं, वापसी की रिक्वेस्ट लेकर भंवरलाल शर्मा पहुंचे हैं। पायलट खेमे के विधायक है भंवरलाल शर्मा और ये वही भंवरलाल शर्मा जिनके खिलाफ एसओजी ने 124A का मुकदमा दर्ज किया था, यानी कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। ऑडियो टेप को लेकर भी वो घिरे थे, लेकिन अब जो खबर उसके मुताबिक विधायक भंवरलाल शर्मा सीएमआर पहुंचे हैं। तो राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पायलट खेमे के विधायक है भंवरलाल शर्मा जो अब सीएमआर पहुंचे हैं। इसका मतलब ये कि जो बर्फ अभी तक कठोर थी वो धीरे धीरे पिघल रही है। और इस दौरान हम आपको बता दें कि जब पायलट गुट टूटकर गहलोत सरकार से अलग मानेसर जाके बैठे थे, उस दौरान भंवरलाल शर्मा के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की बात की गई थी। एसओजी में मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा वो सैंपल लेने भी टीम वहां पर पहुंची थी। हालांकि उनका खुद का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये उनकी आवाज नहीं, लेकिन अब ये सारी बातें लगता है कि इतिहास हो चुकी हैं। एक बार फिर से जो दो गुट थे शायद वापस एक होने वाले हैं। किन मुद्दों पर होंगे ये जानकारी अभी तक नहीं, लेकिन हाँ बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। विधायक भंवरलाल शर्मा सीएमआर पहुंचे हैं, वापसी की रिक्वेस्ट लेकर भंवरलाल शर्मा वापस पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, वापसी की रिक्वेस्ट लेकर भंवरलाल शर्मा पहुंचे हैं, सवाल यह है कि वापसी किस चीज को लेकर? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, जिस तरह से लगातार घटनाक्रम है वो कांग्रेस में बदला है। और जैसे हमने पहले ही बताया था कि भंवरलाल शर्मा दिल्ली से निकल गए थे और रवाना हो चुके थे जयपुर के लिए। अब जो सूचना मिली उसके अनुसार भंवरलाल शर्मा और कुछ और विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पे मिले हैं, मुलाकात की है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रघु शर्मा वो भी मौजूद थे, संयम लोढ़ा भी मौजूद थे। और फिलहाल जो सूचना है उसके अनुसार ये संक्षिप्त मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद अभी फिलहाल भंवरलाल शर्मा है वो मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं। और अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या बात रहेगी, किस तरह की बात हुई है, इसके बारे में थोड़ी देर में जो है वो अपडेट मिलेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी अच्छा, नरेश, क्या ये भी सच है कि कुछ और विधायक पहुंचे हैं सीएमआर मुख्यमंत्री से मिलने जो बागी हैं? बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, देखिए भंवरलाल शर्मा के साथ ही कुछ अन्य विधायक भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और उसमें जो इस तरह से कैसे जिस तरह से आज लगातार घटनाक्रम बदला है और कांग्रेस का जो सियासी संकट खत्म होने की बात भी सामने आ रही है, तो इसके बाद ही इस मुलाकात को काफी अहम है। एक तरह से कह सकते हैं जो बागी है उन बागियों की अब वापसी हो रही है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात में क्या बात हुई है, क्या चर्चा हुई है, ये भी हम कुछ देर में जो है वो बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि भंवरलाल शर्मा जो कि बगावत किए हुए थे वो जयपुर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनसे मुलाकात की खबर है और कुछ और विधायक उनके साथ में। अच्छा नरेश, जानकारी लग पा रही है कि उनके साथ जो अन्य विधायक है वो कौन कौन है? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा और उनके अलावा 6 अन्य बागी विधायक भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी कि जो खबर फर्स्ट इंडिया ने लगभग 1 घंटे पहले दिखाई थी जिसमें कहा गया था कि 6 से 7 विधायक देर रात तक वापस लौट सकते हैं। उनमें से एक विधायक भंवरलाल शर्मा न सिर्फ वापस जयपुर लौट चुके हैं बल्कि वो सीएमआर में मौजूद मुख्यमंत्री से मुलाकात और वहां वापसी की रिक्वेस्ट को लेकर भंवरलाल शर्मा पहुंचे हैं। अब सवाल